कैसे हैं आप लोग? हम लोग एनसीईआरटी इंटीग्रेशन क्लास 12 का देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3 हम लोग कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर रखा था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 किया होगा, और कई सारे मेथड होते हैं, तो अगर नहीं किया तो देख लीजिए, और कोई डिफरेंट मेथड से किया है तब भी आप देख लें, ठीक है। हमको इंटीग्रेशन करना है 10 to the power 4x dx का। ओके, तो यहाँ पे जो एक अच्छा अप्रोच है वो ये है कि आप ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसको आप स्प्लिट कर दें 10 square x और फिर से 10 square x में। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें, एक 10 square x को आप रहने दीजिए और एक को लिख दीजिए आप sec² x - 1। ओके, जो आपने क्लास 9th में याद किया था, चूँकि हम को पता है कि हमारे पास जो इंटीग्रल फार्मूला है वो 10 स्क्वायर का नहीं है, sec स्क्वायर का है, तो ये आपको काम कर जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, इस यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिए, 10 स्क्वायर x इंटू sec² x और साथ में dx माइनस, और एक को आप अलग कर लीजिए 10 स्क्वायर x और dx, ठीक है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे, अब अगर हम लोग 10 को u पुट करते हैं, ठीक है, u² 10 को u पुट कर लिया, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर dx आपका क्या होगा, प्रॉपरली du बन जाएगा। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा, ये भी एक तरीका लिखने का। और यहाँ पे फिर से वापस से आप sec स्क्वायर x और माइनस 1 ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए वेयर आपका जो u है वो क्या है, 10x है, और ऐसा करने से आपको du क्या मिलता है, 10 का sec स्क्वायर x dx। तो हमारा चूंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, जिस तरह से आपका नोट अच्छा होगा आपका कॉन्फिडेंस वैसा ही बढ़ता चला जाएगा। ओके, तब आपका देखिए, अब आपका ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होने चला है। यू स्क्वायर का आप u³/3 लिख देंगे, ठीक है, माइनस sec स्क्वायर का आप फिर 10x होता है डेरिवेटिव, और माइनस माइनस प्लस 1 का x होता है x + c। तो u जो हमारा 10 था उसको आप वापस यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो 10³x/3 माइनस 10x प्लस x + c। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। 17 देखिए, एक इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिए। साइन क्यूब को नीचे वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखो आपका कट जाएगा साइन स्क्वायर से, क्या बचेगा, साइन बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन बाई कॉस स्क्वायर को आप लिखिएगा, साइन बाई कॉस को 10 और 1 बाई कॉस को sec। 10 sec का डेरिवेटिव, 10 sec का इंटीग्रेशन आप जब करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ठीक है। ओके, 10 into sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec होता है। फिर cos क्यूब को डिवाइड कीजिएगा, तो cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वहाँ पर आ जाएगा cot x into cosec x, और उसका इंटीग्रेशन -cosec x होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, उम्मीद है आप बना लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें ऊपर दिया हुआ है आपको cos 2x प्लस 2 sin² x, ओके, डिवाइडेड बाई नीचे में है आपका cos² x। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे, सिर्फ फार्मूला पे बेस्ड है। आप देखिए, cos 2x का एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा, 1 - 2 sin² x, याद है, ठीक है, प्लस 2 sin² x डिवाइडेड बाई cos² x। अब आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ऊपर में तो 1 बच रहा है सिर्फ, 1 बाई cos² sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है ना। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आप लिख सकते हैं, sec² x हो गया, dx क्या आ जाने वाला है इसका, इसका 10x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 19 है, तो 19 जो है आपका 1 by sin into cos³ है, ठीक है। तो इसको आप अगर देखिएगा, तो हमने जो कैटेगरी आपको बताया था, आपको कैटेगरीज याद होंगे, साइन और कॉस का जो डिग्री है वो अगर निगेटिव इंटीजर हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, 10 को पुट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारा जैसा क्वेश्चन है, i = 1 by sin x cos³x, ठीक है। तो मैंने आपको एक कैटेगरी बतलाया था, आपको याद होगा कि अगर दोनों का डिग्री निगेटिव इंटीजर हो जाता है जोड़ने से, ठीक है, तो 10 को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साइन का डिग्री क्या है, -1 है, कॉस का डिग्री क्या है, -3 है, चूँकि नीचे में है तो माइनस में लिखेंगे, तो -4 निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे हम लोग को 10 को पुट करना है, तो 10 को पुट करने के लिए आइए हम लोग 10 बनाते हैं यहाँ पे। तो 10 बनाएंगे तो क्या होगा, साइन को कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 बन जाएगा, लेकिन एक कॉस हमको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, cos 4x, ठीक
ठीक है, इस cos 4 को ऊपर ले जाइए तो ये आपका बन जाएगा sec 4x by tan x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और लाइन अप करेंगे। ऊपर में लिख देते हैं ऐसे, sec स्क्वायर x को एक अलग कर दीजिए और एक sec स्क्वायर dx को अलग कर दीजिए। ठीक है, नीचे मैंने दीजिए tan x को, ओके। अब इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि sec स्क्वायर को लिख देंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर x, फॉर्मूला है, ठीक है, नीचे भी tan x है और यहाँ पे है आपका sec स्क्वायर x और dx। अब आप देखिए अगर आप tan x को पुट करते हैं u, ठीक है, या t पुट करते हैं, तो आप देखिए आपका जो sec स्क्वायर x है वो उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद, जैसे आप tan x को t पुट करते हैं, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, t पुट कर दिया तो इसका जो डेरिवेटिव है, जो अब इस जो आप इसको t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो पूरा यही मिलेगा tan x का, sec स्क्वायर x dx। ठीक है, यानी ये जो इंटीग्रेशन है आपका i, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे में भी t और dt, सिंपल ये हो गया। अब इसको तो करना काफ़ी आसान है, एक आपका 1 बाई टी है, इसका लॉग टी हो जाएगा और एक आपका सिर्फ टी बचेगा। ठीक है, अगर डिवाइड कर देते हैं तो लॉग टी और प्लस टी स्क्वायर बाई टू, और टी का जो वैल्यू है tan x उसको पुट अप कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी इजी है, 20 के लिए भी मैं सिर्फ हिंट करूँगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको आप देखें, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 20, इसका मैं बस हिंट कर रहा हूँ, हिंट ये है कि फॉर्मूला, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला का काम है, आपके पास cos 2x का एक फॉर्मूला है, क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई करने के बाद इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में लिखेंगे तो आपको a प्लस बी कट जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए मैं थोड़ा इसको, हालांकि मैंने बताया था, मैं थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दे रहा, तो i हमारा क्या आ जाएगा, देखिए उसको ऊपर लिखूंगा क्या, cos x माइनस साइन x इंटू क्या, cos x प्लस साइन x, ऐसे लिख दिया cos 2x को ये फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, और नीचे में हमारे पास जो है वो है cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, dx। तो आप देखिए एक फैक्टर आपका तो कैंसिल हो गया, अब आप बस नीचे वाले को आप t कॉल कीजिए, नीचे वाले को इसको आप t कॉल करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस cos, इसका पूरा डेरिवेटिव वो मिलने वाला है। ठीक है, आप अगर पुट कर देते हैं क्या, cos x प्लस साइन x को t, तो क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, प्लस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, साथ में लग गया dx इक्वल टू dt, यही चीज़ तो ऊपर में बचा है ना, cos माइनस साइन, देख रहे हैं, तो i का वैल्यू, इंटीग्रेशन का वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे में हो जाएगा t, और इसका क्या होता है सर, इंटीग्रेशन log t प्लस c होता है, t का वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, क्या है cos x प्लस साइन x, तो साथ में c होगी। ठीक है, तो काफ़ी इजिली आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 21 है, तो 21 भी एक इजी क्वेश्चन है, हालांकि इसके बहुत सारे और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, ठीक है, उस पर आपको डिस्कशन करना है, ये तो काफ़ी इजी है, साइन इनवर्स है, अंदर में कॉस एक्स है और इंटीग्रेशन है इसका। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि साइन इनवर्स को, कॉस को क्या लिख सकते हैं अपने, साइन 90 माइनस एक्स, सिंपल, साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, देन साइन इनवर्स साइन, एंड 90 माइनस एक्स इज अंडर द डोमेन, तो ये तो हट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इजीली, है ना, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो काफ़ी इजीली आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 इस तरफ देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 22 नंबर है उसमें है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 बाई cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा,
फर्स्ट टाइम में तो ऐसे माइंड में नहीं आता, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आएगा। मैं ऊपर में क्या कर रहा हूँ, कॉस बी माइनस ए से, और नीचे भी कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और नीचे जो चीज़ है पहले से उसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ओके, ऐसा इसलिए किया है मैंने कि अब हम थोड़ा और यहाँ पे करने वाले हैं, कॉस बी माइनस ए को रहने देंगे। ठीक है, और ऊपर में इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस एक्स माइनस बी ऐसे करके। ठीक है, और नीचे मेरा वही है, कॉस एक्स माइनस ए है और कॉस एक्स माइनस बी है। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि ये माइनस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका वापस ये प्लस बी माइनस ए बच रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा करने से। ठीक है, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके लिए फायदा ये हो गया कि अब आप ऊपर में कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। वो क्या होता है, वो होता है कॉस सी इंटू कॉस डी, ठीक है, प्लस साइन सी इंटू साइन डी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप लगाएंगे कॉस सी इंटू कॉस डी, और तो मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस बी माइनस ए। ठीक है, और ऊपर में जो फॉर्मूला लगेगा वो ऐसा आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस सी इंटू कॉस डी। ठीक है, आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद होगा, है ना, और प्लस साइन सी इंटू साइन डी ऐसे करके। ठीक है, ये ऊपर का फॉर्मूला हो गया, नीचे जो चीज़ है वो आपको ऐसे ही रखे रहना है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इधर डी एक्स लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म को बारी बारी से डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, तो पहला टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वन बचेगा, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो पहला आपका आ जा रहा है एक्स बाई कॉस बी माइनस ए, ये पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपको जो प्लस प्लस में आप देखिए साइन एक्स बाई ए और कॉस एक्स बाई ए, कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, और साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, तो ये दोनों ही आपका क्या हो जा रहा है, ये आप दोनों को टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप टेन में इन दोनों को कन्वर्ट करके कर लीजिए। ठीक है ना, एक चीज़ या हाँ दूसरा काम और भी कर सकते हैं, वो ये कि आपके पास साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी का भी फॉर्मूला है, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको, मुझको उम्मीद है कि आप कर लेंगे, इसको थोड़ा सा आप करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मैं कुछ और भी एक दो क्वेश्चन है इसमें, हालांकि वो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, फिर भी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंटिन्यू कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है, देखिए अगर कोई डाउट होगा तो मुझको बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।